कुतुब मीनार को लेकर याचिका के बीच अब वहां की मुगल मस्जिद के इमाम शेर मोहम्मद ने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका गया है लेकिन आपको मैं बता दूं तमाम जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं दरअसल कुतुब मीनार में दो मस्जिद है कुत्तुल इस्लाम और मुगल मस्जिद शेर मोहम्मद की तरफ से जो शिकायत है वो मुगल मस्जिद को लेकर है जबकि कुतुब मीनार में आ, पूजा करने की इजाजत दी जाए इसके साथ साथ सत्ताईस मंदिरों को तोड़कर जिस मस्जिद का निर्माण हुआ उस मस्जिद का नाम कुतबुल इस्लाम है बातचीत शुरू करते हैं शेर मोहम्मद साहब से लेकिन आप ये बताएं कि ये जो आपकी शिकायत है ये किस तारीख को हुई और एस की तरफ से क्या कोई आया था आपसे कहने के लिए कि वहां पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते उसको तो बुलाना आसिफ को बुलाना वो या शाकिर को बातचीत शुरू तो देखिए तेरह मई को दिन जुमा था उस दिन हम मस्जिद में बैठे हुए थे पढ़ रहे थे अपने कुरान शरीफ वगैरह और जुमे की तैयारी कर में लगे हुए थे तो हमारे पास जो है शुरू शुरू से ही सुबह से ही पुलिस वगैरह आने लगे हमने सोचा ठीक है ये तो आते रहते हैं कोई बात नहीं तो उसी दौरान में जो है बारह एक बजने में दस मिनट बाकी थे आर्कोलॉजिकल वालों ने एक सिक्योरिटी गार्ड को भेजा हमारा किस तारीख की बात मई के जी आप जो है अंदर दफ्तर में मीटिंग चल रही है आप आइए हम वहाँ पर चले गए तो वहाँ पर सी साहब ने हमसे कहा कि भाई आप मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ेंगे मैंने कहा भाई क्यों नहीं पढ़ेंगे कि जी बस ऊपर से ऑर्डर आ गया है हम नहीं पढ़ेंगे आप नमाज यहाँ पे तो हमने कहा आज जुमा है आज पढ़ लेने दो बाक़ी हम जब पूछेंगे ऊपर जा करके के आप नहीं बिल्कुल भी नहीं आप नहीं पढ़ सकते नमाज यहाँ पे तो उन्होंने मना कर दिया हमने कहा हम चार पांच आदमी हैं हमको कोई पढ़ने दो बाकी लोग जो आते हैं वहां गेट पे खड़ा कर दो अपने आदमी सिक्योरिटी वाले वो रोक देंगे हम तो पढ़ लें तो हमसे भी कहा नहीं आप भी नहीं पढ़ सकते आप यहां से मस्जिद में आप नहीं जा सकते ऐसे कैसे हम उस मस्जिद को वहां से छोड़ के बाहर आ गए उन्होंने कहा कि पार्क में पढ़ लो जुमा हमने कहा पार्कों में तो मना है आजकल मस्जिद वैसी भी बात चल रहा है खराब पार्क में नहीं होगी जुमे की नमाज हम तो अपने मस्जिद में आके पढ़ेंगे फिर इस मस्जिद में आके हमने नमाज पढ़ी है वहां से आके तो हम आ गए जी वहां से लेकिन आपको मोहम्मद साहब ये बखूबी पता है या मुझे लगता है आपको जानकारी बिल्कुल होगी कि एस का जो नियम है एस के जो नियम बनाए गए उसके मुताबिक कोई भी नॉन लिविंग श्रेणी में अगर इस तरीके के मोन्यूमेंट है तो वहां उस परिसर के अंदर ही नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है देखियो सन सैतालीस से पहले सन सैतालीस में उसके बाद जिन मस्जिदों में नमाज हो रही है हमारे पास कागज मौजूद है उनमें नमाज पढ़ते हैं बारह मस्जिदें ऐसी हैं जिनमें जो इनके अंडर हैं और वहाँ नमाज हो रही है और पैंसठ मस्जिद के करीब हैं जिनमें बारह मस्जिदों को छोड़ के सब में नमाज बंद है तो ठीक है इनका कानून है मगर जिन मस्जिदों में नमाज होती आ रही थी उनमें बंद नहीं हुई नमाज किसी में भी लेकिन, लेकिन मुगल मस्जिद कुतुब मीनार परिसर के अंदर आता है हाँ रहने तो कोई बात नहीं मगर इनका इन्होंने बना पहले क्यों नहीं किया जी ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जबरदस्ती कुछ सालों से मस्जिद में नमाज पढ़ने लग गए हो और अब जाकर जब विवाद हुआ है तो एस आई ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया देखिए मुझसे पहले वहाँ इमाम था देखे। देखे। वो वो चले गए उनकी इंतकाल हो गया डेथ हो गई थी तो मुझे उन्होंने एक छोटा सा इतना बड़ा लेटर दिया वक्फ वालों ने सरदार बलबीर सिंह वहां पर उस वक्त सीओ थे उन्होंने उनको दिखाया तो उन्होंने कहा ठीक है आप पढ़िए पर उन्होंने ये कहा था कि रात को मत ठहरना यहाँ पर ठीक है कोई बात नहीं हम रात को नहीं ठहरेंगे मुझे तो मना नहीं किया इन्होंने और किसी भी दिन मना नहीं किया अगर ऐसी बात थी और मस्जिदों में जो जितने भी है ना इनके इंतजाम में सब में ही रोकते हैं पहले के ही दिन बंद कर देते हैं बिल्कुल नहीं पढ़ने देते एक मिनट भी तो मुझे क्यों रहने दिया गया इन्होंने किसी ने कुछ भी नहीं कहा मुझसे क्योंकि वो पहले से यह बात थी इसलिए इन्होंने किसी ने नहीं रोका मुझे बिल्कुल भी नहीं रोका ऐसा ही पुरातत्व तो विभाग के पास संरक्षण आया है कुतुब मीनार का तब से ही जो एक्ट बना जो नियम बना उसके मुताबिक कोई भी धर्म के व्यक्ति वहां जाकर पूजा नहीं कर सकते है चाहे वो किसी भी समुदाय से हो ठीक है वही मैंने पहले बता दिया आपको ये इसमें पहले से ही नमाज हो रही थी इसलिए इन्होंने नहीं रोका उसी टाइम रोकते मुझे भेजते लिख के मुझे भेजा नहीं ना मुझे रोका रोका गया तो आपको किस वजह से परेशानी हो रही क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा विवाद चल रहा है इस वजह से आज की तारीख में नमाज पढ़ने से इसी वजह से जो लोग आए हैं ना विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले उन्होंने जब ये मुताबा किया कि भाई अंदर जो है कुतुल इस्लाम मस्जिद में मूर्तियां हैं हमारी और उनको वहां पर है वहां रखी हुई उसमें है वो खम्भों में लगी हुई है कहते हैं कि ये, देखा हाँ हाँ देखा <laughs> तो उनमें जो है हमें वहाँ परमिशन दी जाए वहां हम इबादत करें मंदिर बनाएंगे वगैरह वगैरह तो इन्होंने तब से जो है इन्होंने सोचा कि इस मस्जिद को ये बंद कर दें ताकि यू मैं अपने दिमाग से सोच रहा हूँ ये इन्होंने क्या सोचा है मैं कह नहीं सकता मुझे अंदाजा ऐसे ये सोच रहे हैं कि इस मस्जिद को बंद कर देंगे तो इनसे भी हम कह देंगे कि भाई हमने तो मस्जिद भी बंद कर दी लिहाजा तुमको बंद करेंगे हम क्योंकि उनको तो परमिशन ही दे ही नहीं सकते नियमता मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका गया है लेकिन अब जब रोक दिया गया है आपके मुताबिक आपकी बात मान लेते हैं तो क्या आपको आपत्ति है इस चीज से बिल्कुल है अगर इन्होंने मैंने उनसे भी कहा कि अगर आपको रोकना था तो जब मैं आया था उसी दिन कह देते हैं कि भाई नमाज नहीं होती क्योंकि जमाली कमाली है वहाँ जंगल में है वो जमाली कमाली है मांडी मस्जिद है सुल्तान मस्जिद है तीन बड़ी बड़ी मस्जिद है उस इलाके बड़ी में बड़ी बड़ी मस्जिद आस पास है तो कुतुब मीनार परिसर के अंदर जो मस्जिद है उसमें नमाज तो नियमता रोका गया है नहीं उनमें तो हो रही थी नमाज उनमें नमाज नहीं हो रही थी क्योंकि कुछ सालों से वहाँ जाकर वहाँ जाकर कुछ कुछ लोग वहाँ नमाज पढ़ रहे थे नहीं, नहीं। कुछ सालों से सा, नहीं आपको अगर आपकी जहन में याद हो तो कब से ऐसा है मैं सन मैं सन उन, दस सितंबर सन छिहत्तर से हूँ छियालीस बरस हो गए कितने सीओ आए कितने यहाँ पर वो आए डी जो वगैरह है किसी ने भी नहीं रोका वहाँ पर सही नियम उससे पहले का है नहीं कब का है कब से बनाया इन्होंने उन्नीस सौ उनसठ के आस पास उनसठ हाँ तो ठीक है उसमें भी ये है लिखा हुआ है की जिनमें नमाज हो रही है वो हुएगी ये लिखा हुआ है उसमें मैं मेरे पास कागज है जिस तरह आपके पास डायरी है मेरे पास कागज है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उन्नीस का जो नियम है उसके मुताबिक कुतुब मीनार पूजा करने की इबादत करने की जगह नहीं है उसमें ये लिखा है नए सिरे से नए सिरे से जिनमें हो रही है वो उसको छोड़ दिया है किसी भी मैं आपको बताती हूँ किसी भी धर्म के लोग वहाँ जा के कुतुब मीनार परिसर के अंदर नहीं। पूजा नहीं कर सकते पुराने किले में एक मंदिर है शेर शाहूरी का वो भी नहीं रोका इन्होंने उसमें भी हो रही है पूजा मीनार नहीं नहीं कुतुब मैं कुतुब मीनार की बात कर रही हूँ क्योंकि विवाद इसी को देखिए मुझे नहीं रोका किसी ने भी नियम बिल्कुल नियम भी नहीं रो नियम नियम यही है जो मैंने आपको बताया डायरी में आप कुछ तारीख बता रहे थे जरा बताएंगे किस विषय को लेकर है वो तो टिकट के बारे में था ये सन उन्नीस सौ छियानवे है।, है तो यहाँ पर जुमे के दिन टिकट नहीं था नमाजियों से हम तो वहीं रहते हैं हमारा तो कोई था ही नहीं कभी से भी क्योंकि दिल्ली वकअप बोर्ड का मैं इमाम हूँ कोई झगड़ा नहीं कुछ नहीं जुमे के दिन टिकट नमाजियों से नहीं लिया जाता तो उन्होंने क्या काम किया जुमे के दिन टिकट लेने लग गए तो फिर जो है हमने इसको ऊपर जो है ये कब से हुआ कि जुमे के दिन आप लोगों से टिकट लेने लग गया अब अभी या उस टाइम अब, अब तो तेरह मई से तेरह मई से टिकट लग रहा है आप लोगों को नहीं नहीं नहीं, नहीं। तेरह मई से तो नमाज ही बंद कर दी अच्छा मेरे टिकट ले रहे थे टिकट ले, ले रहे थे और टिकट लेके जाओ पढ़ो नमाज टिकट लेके जो जाएगा वो नमाज पढ़ते थे जिनके पास टिकट नहीं है उनको वो नहीं जा सकते थे नमाज के लिए संियानवे की पहली सितम्बर से छियानवे से टिकट लेने लगे हाँ, टिकट ले तो पहले भी था सन छियानवे से नमाजियों से रोक दिया गया टिकट पहले ही से था मगर नमाजियों से नहीं लिया जाता था जुमे के दिन फ्री में नमाज पढ़ते थे सन छियानवे से वो टिकट लेने लग गए तो उसके खिलाफ थोड़ी कार्रवाई की हमने इधर उधर दरखास्त नहीं थी फोन कराया फिर जो है ना बारह सितम्बर से फिर टिकट से मस्जिद को मुबर्रा कर दिया गया और कह दिया कोर्ट का ऑर्डर दिखाया बाकायदा मुझे और इनमें जंग मदरसा में इनका ऑफिस है, है वो देख सकते हैं इस रिकॉर्ड को उन्होंने खुद जाके मुझे दिखाई फाइल के ये मुहर लगी हुई है मस्जिद वालों से टिकट नहीं लिया जाएगा आपके रास्ता ही अलग कर दिया अंदर जाके पहले मेन गेट से टिकट था अब अगले गेट से टिकट की चेकिंग होगी वहां तक मस्जिद से पहले है मुझे, मुझे ये बताया कि कुतुब मीनार मस्जिद के अंदर कुतुब मीनार मीन के अंदर दो मस्जिद है एक मुगल मस्जिद एक कुत्तुल इस्लाम मस्जिद जी आ, तो क्या कुत्तुल इस्लाम में नमाज पढ़ी जाती नहीं बिल्कुल भी नहीं ना क्यों नहीं पढ़ी जाती वो तो टूटी टूटी पड़ी है वो तो उसका छत भी नहीं है दीवार ही दीवार है ऊपर से उसमें नहीं है वो अलग मसला है आर्कोलॉजिकल वालों ने उसमें मना कर रखा है पर मुगल मस्जिद भी तो अंदर है चार सौ तीन सौ साल बाद में बनाई थी वहाँ मस्जिद परिसर के अंदर है परिसर के अंदर है मगर वहाँ नमाज हो रही है और होती आई है उसका सबूत है वहां पर जो है इमाम वकफ बोर्ड की तरफ से पहले था फिर उसके बाद में था फिर मैं छियालीस बरस से मैं हूं अगर ऐसी बात थी मैंने उससे कहा सीओ से अगर आपको एतराज़ था नमाज पे तो जब मैं आया मुझे उसी टाइम क्यों नहीं कहा आपने कितने आए बी सीओ सीओ आए यहाँ पे और बदल गए मुझे तो किसी ने रोका नहीं ये आज क्यों रोका जा रहा है इसका जवाब दो मुझे कहने का ऊपर से ऑर्डर आया है हमारा बस ये एक जवाब है आपका अगला कदम क्या होगा इस पर हमने तो कोशिश किया है पहले दिल्ली वकअफ बोर्ड के जो चेयरमैन है अमानतुल्ला साहब हम पहले कुछ इमाम हजरत जो है मेरे साथ थे वहाँ जाके उनको दरखास्त दी गई इस तरीके से वाक हो चुका है मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका गया है तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे पूरी तौर तौर से पहले हम बातचीत से मसला सुलझाएंगे कुछ टाइम लगेगा और अगर नहीं हुआ तो हम फिर कोर्ट जाएंगे वहां से हट के फिर हम जामा मस्जिद के इमाम साहब के पास गए उन वो मिले नहीं हमें वो कहीं गए हुए थे बाहर उनके पीए को हमने दे दिया लेटर वगैरह तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि हाँ कोशिश कर रहे हैं फिर हमने हाफिज़ जावेद साहब से कहा जो जामा मस्जिद के इमाम के सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं हाई लेवल पे फिर वहाँ से हम जमयतमा के दफ्तर गए वो भी एक बहुत बड़ी संस्था है हमारी जमयतलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी तो वहाँ गए तो मौलाना महमूद मदनी उस दिन थे नहीं तो उनके जो है ना मिले थे उनके जो नायब हैं तो उनको हमने दरख्वास्त दी बायदा उन्होंने भी कहा है कि हम बात के बातचीत के ज़रिए भाईचारे से इस मसले का हल करेंगे क्योंकि मस्जिद तो आबाद है वो पहले से ही तो ऐसे नहीं रोक सकते आप तो अभी तो बातचीत चल रही है सबने यही कहा है कि हम फिर कोर्ट जाएंगे फिर कोर्ट कोर्ट का को जो फैसला होगा वो फिर उस पर देखा जाएगा आप उन्नीस सौ छिहत्तर से वहाँ पर नमाज अदा कर जी हाँ। हाँ। तो ये इमाम शेर मोहम्मद है जिनका दावा है कि 1976 से अब तक वो नमाज अदा करते आ रहे हैं मुगल मस्जिद में लेकिन आज जब विवाद शुरू हुआ है इन्हें मस्जिद जाने से रोक दिया गया है जबकि एस का जो दावा है किसी भी नॉन लिविंग मोन्यूमेंट जहां पर है उस परिसर के अंदर नमाज या कोई भी धर्म के व्यक्ति वहां जाकर पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं इन सब के बीच आपको बता दें कि ए ने जो याचिका दायर की गई थी कुतुल इस्लाम मस्जिद को लेकर उस पर एएसआई ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि चूंकि एएसआई का एक्ट कहता है कि कोई भी व्यक्ति वहां पूजा पाठ नहीं कर सकते लिहाजा ये याचिका खारिज की जाए अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ नीतिश्री एबीपी न्यूज दिल्ली